अस्सलाम वालेकुम पाग्या रीजन स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, जबकि ओवरऑल अगर लेक्चर्स की बात की जाए तो ये 26th लेक्चर है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए, शॉर्ट MCQs और इवन के ये लॉन्ग में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भूले नहीं और आप बोर्ड में मार्क्स अच्छे ले सकें। हमारा आज का टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जी बेटे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मकदार है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है, वो रिलेटिवली मोर है या लेस है। इस बेस पे हम सॉल्यूशन को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जी बेटा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशंस जो है, हमने किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वैसे तो मेनली आपको यहाँ पे सॉल्यूट की रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट के साथ, उससे ही आइडिया हो जाएगा। अभी आप इसको क्लियर कर लें कि सॉल्यूशंस को आप डाइल्यूट भी कह सकते हैं। अच्छा बेटे, डाइल्यूट का मतलब होता है कम गाढ़ा, जिसको आप आम लफ्जों में पतला भी कहते हैं। जैसे आपने गवाले से दूध लिया होगा, दूधी से, तो आप देखते हो कि वो उसमें दूध की मकदार कम होती है और पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप प्योरली दूध दो रहे हैं, जो ताज़ा दूध होता है, वो जो उसके मुकाबले में, क्योंकि उसमें दूध की यानी प्रोटीन्स और फैट्स और शुगर्स वगैरह की, मिनरल साल्ट्स वगैरह की, उनकी मकदार जो है वो ज़्यादा है उसके मुकाबले में जो हमें गवाला दे के जाता है, क्योंकि उसने उसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी सॉल्वेंट है, चूँकि दूध में ज़्यादा मकदार में पानी होता है, इसलिए पानी सॉल्वेंट और बाकी जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और शुगर्स हैं, साल्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्यूट्स हैं। ताज़ा दूध में ये ज़्यादा मकदार में होती है और जब पानी डाल दिया जाता है तो अब उनकी मकदार पानी के हिसाब से कम हो गई है, यानी कि उनकी रिलेटिव जो कॉन्सेंट्रेशन हैं वो चेंज हुई हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया है, सॉल्यूट कम हो गया है, तो सॉल्यूशन कम गाढ़ा पतला हो गया है, इसको आप नाम दे देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आए, द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी आम जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, अगर उस में जितनी सॉल्यूट की मकदार है, आप उससे मकदार सॉल्यूट की कम कर देते हैं तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अगर आप उसमें मकदार काफ़ी ज़्यादा कर दें, जो नॉर्मल में होती है या नॉर्मल से भी ज़्यादा कर दी है, तो फिर वो कंसंट्रेटेड है। अगर आप मीठे पानी की बात में आपको बताता चलूँ, मीठा पानी करते हैं ना, आप क्या करते हैं, शुगर प्लस वाटर। अगर वाटर लार्जर अमाउंट में है, लार्जर कंसंट्रेशन में है, ग्रेटर कंसंट्रेशन में है, और शुगर स्मॉलर,
रिलेटिवली स्मॉलर, मतलब पानी इतना ज़्यादा मीठा नहीं हुआ, काफ़ी फीका सा है। तो आप इन दोनों के मिलने से जो सोल्यूशन बनेगा उसको आप नाम दे देंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। आप इसको नाम दे देंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को ऐसा करें कि आप इसमें जो ये वाला कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है इसकी बात करें, तो इसमें शुगर ज़्यादा होगी, अब स्मॉलर की बजाय क्या हो गया यहाँ पे लार्जर अमाउंट में। एक बात याद रखिए, वाटर की अमाउंट अभी भी ज़्यादा ही है इस शुगर से, शुगर से अभी भी इसकी अमाउंट ज़्यादा ही है, लेकिन जितनी पहले थी शुगर की अमाउंट उससे हमने इसको लार्जर कर दिया, मोर कर दिया, इसकी अमाउंट को ग्रेटर कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे, गाढ़े सॉल्यूशन का नाम देंगे। जैसे मैं कहूं कि मुझे मीठा पानी बनाना है, मैंने एक गिलास पानी में चीनी के 2 चम्मच डालने थे, वो नॉर्मल मीठा होता है, लेकिन मैं 5 डाल देता हूं, तो मैंने रिलेटिवली यानी कि निस्बतन ज़्यादा मकदार डाली है नॉर्मल से, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट डाल के जो सॉल्यूशन बनाया है वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो आप उसको साइंटिफिक टर्म्स में यानी कि साइंसी ज़ुबान में आप क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी गाढ़ा सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे उसको, गाढ़ा सॉल्यूशन का नाम देंगे। ये वो काफ़ी गाढ़ा है, उसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है। तो इसकी एग्जाम्पल अगर आप डेफिनेशन की तरफ आएँ तो फिर अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सल्यूट, यहां पे सल्यूट की बजाय डिजोल्व्ड सल्यूट कहें, हल शुदा जो सल्यूट है, डिजोल्व्ड सल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की काफ़ी ज़्यादा मकदार मौजूद होती है आप उसको नाम दे देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप जहाँ पे भी जिस भी बात की बात करते हैं, जैसे आप कभी सालन बनाया हो, सालन में अगर करी में आपने मिर्चें ज़्यादा डाल दी तो वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा मिर्चें जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो मिर्चों के हिसाब से वो आपका सालन जो है वो कंसंट्रेटेड हो गया है। अगर आप बात करते हैं कि मिर्चें एक नॉर्मल से कम है तो फिर वो मिर्चों के हिसाब से सॉल्यूशन जो है यानी सालन जो है वो डाइल्यूट है। मुझे उम्मीद है कि आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की थोड़ी बहुत समझ आ गई है। मैं और क्लियर कर देता हूँ, अगर ऐसा हो कि सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट की मकदार और सॉल्यूट की मकदार का आपने ख्याल रखा जो नॉर्मली उनकी मकदारें होनी चाहिए नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, आपने उससे कम मकदार में सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर, तो बनने वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट यानी पतला सा होगा, कम गाढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा डाल दी, नॉर्मल से ज़्यादा डाल दी, काफ़ी ज़्यादा अब मकदार सॉल्यूट की है, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम आप रख देंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी गाढ़ा सॉल्यूशन। और आज इसके बाद बेटे बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs शॉर्ट और लॉन्ग बोर्ड के हवाले से हर लिहाज से ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम केमिस्ट्री की तरफ जाएं, बल्कि साइंस की किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, अगर आप सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो आपको सॉल्यूशंस में फिज़िकल स्टेट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। फिज़िकल स्टेट्स क्या हो सकती हैं कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या गैस की हालत में है, लिक्विड की हालत में है, या फिर वो सॉलिड की फॉर्म में है, सॉलिड हालत में है। अगर ऐसा है तो फिर इनकी डिफरेंट नेचर्स की बेस पे हमने सॉल्यूशंस जब बनाने हैं तो वो भी डिफरेंट ही बनने हैं। जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वैसे नॉर्मली 9 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स है? 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस
डिपेंडिंग अपॉन, याद रखिएगा किस पे डिपेंड किया जा रहा है, सॉल्यूशन की टाइप्स किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, या सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, इन नेचर पे जो सॉल्यूशन होगा उसकी नेचर बदल जाएगी। देखिए हम इस के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल है जो आपकी बुक के भी ऊपर है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट वो भी गैस है, तो इसकी एग्जांपल आप कॉमनली देखते हो एयर, हवा। आपको पता ना इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी N2 गैस, फिर CO2 गैस भी है, आर्गन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ये और दूसरी भी बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन ये मेजर गैसेस हैं। इन गैसेस का ये मिक्सचर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूंकि नाइट्रोजन है जो 70, यहाँ पे मैं बताता चलूँ 78.09% होती है टोटल एयर का, तो फिर ये वाली चीज़ सॉल्वेंट हुई और बाकी सारी चीज़ें सॉल्यूट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि N2 ये भी गैस है और बाकी सारी चीज़ें भी गैस हैं, तो फिर सॉल्यूशन हुआ गैस इनटू गैस, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैसेस, एयर इसकी एग्जांपल है। इसी तरह अब गुब्बारों में जो मौसमी गुब्बारे होते हैं जिनको आमतौर पर गैसी गुब्बारे भी कहते हैं, उनमें दो हल्की सी गैसें वो मिक्स की हुई होती हैं, हीलियम, ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है। अगर ये हों वेदर बैलून्स में, यानी जो वेदर बैलून्स होते हैं आपने ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे देखे होंगे, जब गुब्बारे डिफरेंट फंक्शंस पे सेलिब्रेशंस पे ये हवा में उड़ाए जाते हैं, तो उनमें एक गैसेस का मिक्सचर है, जो गैसेस आमतौर पे होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम, चूँकि ये हवा से हल्की होती हैं ये उसमें भर दी जाती हैं, गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। अगला अगर हम बात करें, जी बेटे आप इसके बाद की अगर एग्जांपल लें, सेकंड नंबर पे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है अब लिक्विड है, पहले सॉल्वेंट गैस था, नेचर चेंज हुई है। अब नेचर चेंज होने पे देखिए गैस और लिक्विड, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। आप इसकी कॉमन एग्जांपल्स में देखिए गैस ऑक्सीजन हो और लिक्विड वाटर हो, तो आप देखते हैं कि ये जो बनेगा सॉल्यूशन, आम जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन हल होती है थोड़ी बहुत अमाउंट में, समंदर का पानी है, झीलों का पानी है, दरियाओं का है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो ये वाला सॉल्यूशन गैस इनटू लिक्विड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में हल होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल है गैस इनटू लिक्विड। एक और एग्जाम्पल गैस इनटू सॉलिड, अब सॉल्यूट गैस ही है, सॉल्यूट की नेचर चेंज नहीं हुई लेकिन नेचर चेंज हो गई है फिर से सॉल्वेंट की जो कि सॉलिड है, तो आप इसकी एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैडियम। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, आप इस डायग्राम की तरफ आइएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सब ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, सब्सटेंस है कोई भी, अगर दूसरी कोई चीज़ उसके आगे अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर घुस जाती है, जज़्ब हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है, तो आप इसको एब्जॉर्ब कहते हैं। ये चीज़ क्या हुई है, एब्जॉर्ब, जज़्ब हो गई। लेकिन अगर कोई चीज़ आए और उस दूसरी चीज़ की सरफेस पे आके लग जाए लेकिन उसके अंदर पेनिट्रेट ना हो, उसकी सरफेस का हिस्सा बन जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तो इसको आप लव्स को कहेंगे एडसॉर्ब। यहाँ पे एड और एब, यहाँ पे ये डिफरेंस है, एडसॉर्ब होगा तो फिर सरफेस पे लग जाएगी, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि उसके साथ जाके चिमट गई है चीज़, ये एडसॉर्ब होती है, एडसॉर्प्शन। और जब एक चीज़ इनसाइड द ऑब्जेक्ट उस चीज़ के अंदर चली गई है, घुस गई है, तो फिर आप इसको कहते हैं एब्जॉर्ब।
तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है मैंने उसको समझाना चाहा है कि हाइड्रोजन गैस है एडजॉर्ब्ड, यहाँ पे गौर कीजिएगा एडजॉर्ब्ड ऑन प्लेडियम। प्लेडियम एक मेटल है, सॉलिड होती है, आप हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर एडजॉर्ब करवाते हो प्लेडियम के ऊपर, चूँकि वो उसमें पेनिट्रेट नहीं करती, उस पर चिमट जाती है, उस पर लग जाती है, तो फिर ये जो सोल्यूशन बनेगा हाइड्रोजन गैस और सॉलिड प्लेडियम का, ये गैस इनटू सॉलिड सोल्यूशन है। एक और बेटे एग्जांपल, एक और टाइप सोल्यूशन की जिसमें लिक्विड सोल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगा, यानी सॉल्वेंट की नेचर गैस है, सोल्यूट की लिक्विड। इसके एग्जांपल मिस्ट, कहर, यानी पानी के बहुत बारीक बारीक से धुंध की तरह के कतरे अगर हवा में मौजूद हों तो मिस्ट, फॉग, धुंध आम जिसमें पानी के कतरे निस्बतन थोड़े बड़े होते हैं सर्दियों में जो आप आमतौर पे देखते रहते हैं। फिर लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी बाज़ औक़ात हवा के अंदर कुछ लिक्विड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ पॉल्यूटेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, जिसे इसी तरह बेंजीन वगैरह है, कोई दूसरा लिक्विड जो उसमें शामिल हो जाए लिक्विड में, तो फिर वो सॉल्यूशन लिक्विड इनटू गैस या गैस इनटू लिक्विड। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। इसके एग्जांपल में अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल अगर पानी में शामिल कर दी जाए तो ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, और इसी तरह बेंजीन इन टॉलिन, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, अगर इनमें से एक चीज़ दूसरी चीज़ में हल कर दी गई, दोनों लिक्विड्स हैं, तो फिर ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल हो गई। इसी तरह अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड भी हो सकता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बोर्ड में कई दफ़ा एमसीक्यूज के तौर पर आ चुकी है। तो बेटा ये बटर, मक्खन, आप देखते हो कि मक्खन में ज़्यादा लिक्विड होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, तो फिर ये लिक्विड इन सॉलिड, तो या सॉरी सॉलिड ज़्यादा होता है, दूसरे क्लियर कर दूँ, सॉलिड ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। और इसी तरह चीज़, पनीर, दूध से जब पनीर यानी रसगुल्ले और क्या नाम है आपकी जो मिठाई की चमचम है, गुलाब जामुन है, वो इससे बने होते हैं आमतौर पर, चीज़ शवारमा वगैरह आप खाते हैं उसमें भी लगा होता है, तो ये है लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एक ऐसा भी आ सकता है सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड हो सॉल्यूट और गैस जो है वो सॉल्वेंट हो, इसके एग्जांपल में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर, यानी कि गर्दो गुबार के जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, वो हवा में शामिल हो जाएँ तो वो वाला जो सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड इन गैस, सॉरी गैस इन सॉलिड भी हो सकता है। और सॉलिड और लिक्विड, जी बेटा सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिला दी जाए तो आप देख रहे हो शुगर पानी में डाल दी जाती है, इसलिए आप कहेंगे शुगर इन वाटर, या इसको कह सकते हो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और फिर लास्ट वन, सॉलिड सॉल्यूट हो सॉलिड ही सॉल्वेंट हो, इसकी एग्जांपल मेटल अलॉयज हैं, दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो चीज़ बनती है अलॉय, उसकी एग्जांपल ब्रास, पीतल, और इसी तरह ऑपल्स, जेवरात, मस्नूई जेवरात होते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो भी इसी की एग्जांपल है कि उसमें डिफरेंट मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तवज्जो से कीजिएगा, बहुत ज़रूरी, बहुत ही अहम है। अगले तक लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, तैयारी कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।